जो गणपति हमसे जुड़े हुए हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उनका दायित्व हमारे मंत्री आप सब जिनको बड़ा स्नेह करते हैं आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, भाई दिग्विजय सिंह जी हमारे सचिव, नरवी जी रवि गुप्ता जी, सभी प्रशिक्षकगण और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज मुझे लंबा भाषण नहीं देना क्योंकि आज अपने हाथों से जिन बेटे बेटियों ने प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं उनको सम्मानित करना था। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और एक ही बात कहना चाहता हूं, यशोधरा जी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की है, लेकिन रुकना रुकना नहीं, लगातार बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और जब खेलो एंटीबूडियम ट्रिप प्रारंभ कर रहे हैं, खेलकूद की गतिविधियां हर क्षेत्र में चलती रहे, हमारे बेटा बेटी खेले, खेलों का आनंद भी उठाएं, उपलब्धियां भी हासिल करें। मैं इतने ही कहना चाहता हूं कि खेलों के क्षेत्र में अपने बच्चों को सुविधा देने में मैं कोई बाधा आड़े नहीं आने दूंगा। अभिनंदन करेंगे खेलो एमबीयू गेम्स का बजट थोड़ा कम है मैडम, जितना आप कहोगे कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करो, आपको सलाह। तुम खेलो कूदो और आसमान छूलो सफलता का, ये मेरी शुभकामनाएं है। अब हमने ये निर्णय किया है कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि दुगनी कर दी जाएगी और थर्ड तक तो हम पदक देते हैं, पुरस्कार देते हैं, लेकिन चौथे स्थान पर भी कई बार जो छूट जाते हैं वो बड़े मायूस हो जाते हैं, चिंता मत करो, अब चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार की राशि दी जाएगी। खेल अकादमी के मुख्य तकनीकी सलाहकारों, प्रशिक्षकों के अमले की सेवा शर्तों को और उपयोगी बनाया जाएगा तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी, उसका हम संकल्प कर रहे हैं। खेल संघ भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए उनके बिना खेलों का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनकी नियमित गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ को भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि अलग कर दी जाएगी। प्रदेश में खेल गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है, अधोसंरचना का भी हमने विकास किया है, निर्माण किया है, लेकिन उनके संचालन के लिए अमले की जरूरत है। स्टेडियम बन जाए लेकिन संचालन करने वाला कोई है ही नहीं तो स्थिति बनती नहीं है, बल्कि खेल विभाग के अमले की भी पुनर्संरचना की जाएगी और महानिदेशक खेल का पद भी सृजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू बघेड़ा में क्रिकेट स्टेडियम को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ स्विमिंग पूल और साइकिलिंग वेलोड्रम का निर्माण भी किया जाएगा। खेल अकादमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों की सीटों में वृद्धि की जाएगी ताकि और ज्यादा खिलाड़ी आ सके। एकलव्य पुरस्कार 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए जाएंगे,
विक्रम 12 से बढ़ा के 20 कर दिए जाएंगे और दूसरा में तो पुरस्कार भी 3 से बढ़ा के 5 कर दिए जाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को हम सम्मानित कर सकें। और मध्य प्रदेश के हर एक विभाग में खिलाड़ी कोटे से भर्ती के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। आज मौसम में खराब नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा है क्योंकि वर्षा हो रही है। बीच में एक महीने का गैप था तो फसलें खराब हो रही थी, मैं बहुत चिंतित था। देखने में महाकाल महाराज के दरबार में गया और इनका महाराज पानी गिराओ, ये तो प्रदेश का विकास मिल जाएगा और सबसे खूब वर्षा हो गई। लेकिन आज मुझे हेलीकॉप्टर का सफर बाय रोड तय करना पड़ेगा। अभी पहले अमलाहा जाना है, सुरगुना जिले में जाना है, अब पुरन खटोला नहीं उड़ेगा लेकिन मामा फिर बाय रोड भी जाएगा। इसलिए लंबे भाषण देने के बजाय मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, मेरे बेटे को बढ़ो, खेलो, कूदो और सफलता के आसमान को छू लो। उन्हें सुविधाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। यहां से निष्क्रमण करें, एग्जिट करें और